आज सुहाना सफर में आशा जी हमारे साथ फोन पर हैं। आशा जी नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस आपकी कृपा है, आप कैसी हैं? बस फर्स्ट क्लास। कहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ आपको, कहाँ से पहला ब्रेक मिला, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। विजय भट्ट जी की पिक्चर चैतन्य महाप्रभु में मैंने एक छोटा सा मतलब रोल किया था जी, और उसके बाद जब उन्होंने ये पिक्चर की शहनाई बनाने का इरादा किया तो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया जी, और मम्मी ने कहा कि चलो बात कर लेते हैं उनसे जी। तो जब गए तो उन्होंने कहा कि हमको मेन लीड में इनको लेना है जी। तो उसके बाद काम शुरू हो गया। दो दिन शूटिंग करने के बाद उस दिन दूसरे दिन रात को मम्मी को बुला के उन्होंने कहा कि भाई ये स्टार मटेरियल नहीं है, ये स्टार बन नहीं सकती है जी। तो जी तो ये बस फिर वहां से मतलब ना कर दिया और अमिता जी ने वो रोल किया फिर मेरा जी। तो और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त आयस जोहर के साथ मैंने शूटिंग की थी, तो आयस जोहर साहब बेवकूफ बना रहे थे जी, और वो चाह रहे थे कि मैं उसमें काम करूं जी। लेकिन मम्मा ने वर्ड दिया था विजय भट्ट जी को कि जब तक आपकी पिक्चर रिलीज ना हो जी, तब तक हम बाहर कोई पिक्चर साइन नहीं करेंगे जी। तो वहां से भी गए, यहाँ से भी गए वाली बात थी। और बस उसके एक हफ्ते में मैं गई थी रंजीत स्टूडियो में, मुहूर्त था तो वहां मैं गई थी, तो वहां एस मुखर्जी साहब ने मुझे देखा जी। उन्होंने कहा तुम कल आ जाओ ऑफिस में जी। अब मुझे कुछ मन नहीं था जाने का, फिर भी मैं गई वहां और उन्होंने कहा हमारी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लो तुम जी। तो मैं एक्टिंग स्कूल में दो दिन जाऊं, छह दिन गायब रहूं, इस तरह से मन नहीं था इतना। अच्छा, बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री में जाने का मन नहीं था आपका? ये गूंजू की शहनाई के बाद तो बिल्कुल ये जो झटका जो आघात सा लग गया था, अच्छा नहीं लग रहा था कि इस इंटरेस्ट जी जी जी, जी। तो ऐसे मुखर्जी साहब जी, तो बस फिर उन्होंने बुलाया और सब काम शुरू हो गया। उसके बाद दिल दे के देखो बनने वाली थी जी, तो कहा कि एक शॉट साधना देगी, एक शॉट आशा देगी, एक दिन की शूटिंग करेंगे, जो ठीक रहेगा उसको हीरोइन बनाएंगे। नहीं सॉरी मैं मिस कर गया, आपका कहने का मतलब आपने कहा अभी कि एक शॉट आशा देंगी और एक शॉट कौन देगा? साधना। वाह, वो उनका भी ट्रायल चल रहा था? हाँ जी, उनका भी ट्रायल चल रहा था। तो मेरा सिलेक्शन हो गया दिल दे के देखो में, और साधना का सिलेक्शन हो गया लव इन शिमला में। अच्छा, ओके। हाँ, दोनों फिल्में मुखर्जी साहब ने प्रोड्यूस की थी जी। जी, तो इस तरह से आपको मिल गई फिल्म दिल दे के देखो जी, और 1959 में आपके ही बर्थडे के ऊपर ये फिल्म रिलीज हुई जी, और आप बन गई स्टार। हाँ जी। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।